स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हेल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसवीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं आज इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम नजर डालते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि आरओई कंपनी का यहाँ पे काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे एफडी की तुलना में काफी ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अभी करेंटली ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी कि इसका आरएसआई काफी कम है, यानी कि बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अभी ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि कंपनी कोई भी यहाँ पे एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं है, तो सेबी की यहाँ पर बिल्कुल भी अभी निगरानी नहीं है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी लगातार अपने फाइनेंशियल ट्रेंड इंक्रीज करती जा रही है। पहला जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 करोड़ का रेवेन्यू पहले कंपनी ने जनरेट किया था 2018 में। उसके बाद अगले साल 2019 में 80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और 2020 में 109 करोड़ का, और 2021 में 192 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी लगातार रेवेन्यू जनरेट करती जा रही है, और ग्राफ ऊपर की ओर रेवेन्यू के अगर आप नजरिए से देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट तो 85 लाख का प्रॉफिट था यहाँ पर, 1 करोड़ 34 लाख का, यहाँ पे 1 करोड़ 29 लाख का, और यहाँ पे 1 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में भी है और रेवेन्यू भी कंपनी का यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर की जो प्लस्ड परसेंटेज है, यहाँ पे कंपनी की जो प्लस्ड परसेंटेज है वो कम है। मतलब हमने बहुत सारे स्टॉक देखा है जिसकी 99% प्लस्ड परसेंटेज होता है, लेकिन इस स्टॉक में प्लस्ड परसेंटेज काफी कम है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 3.99% प्लस्ड परसेंटेज है, यानी 4% प्लस्ड है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं, कंपनी ने अभी हाल में ही स्प्लिट और बोनस अनाउंस किया है, तो उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, यहाँ पर शेयर स्प्लिट हुआ है 22 फरवरी 2022 को 1:10, मतलब कि फेस वैल्यू पहले स्टॉक की 10 थी, और करेंटली अगर आप चेक करेंगे तो करंट फेस वैल्यू 1 हो चुकी है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, 1 रुपए की फेस वैल्यू करंटली चल रही है, लेकिन 22 तारीख के पहले अगर आप चेक करते तो फेस वैल्यू स्टॉक की 10 थी। तो यहाँ पे 1:10 का स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे 1:1 का बोनस भी कंपनी ने उसी डेट को अनाउंस किया था। तो ये स्टॉक ने बोनस प्लस स्प्लिट दोनों दिया है यहाँ पर। और हम जनरली देखते हैं कि कभी भी कंपनी शेयर जब भी स्प्लिट और बोनस दोनों करती है, या फिर शेयर स्प्लिट जस्ट करेगी या फिर बोनस देगी, तो यहाँ पे शेयर प्राइस हमें डाउन देखने को मिलता है। इस वजह से इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, लेकिन करंटली अभी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट का मेन कारण है ये स्प्लिट है, स्प्लिट करने की वजह से ये स्टॉक गिरा था। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे जान लेते हैं। 133 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, यहाँ पे स्मॉल कैप है, यहाँ पे रिस्क काफी हाई है। अगर डेप्थ की बात करें तो 9 करोड़ का डेप्थ है, और मार्केट कैप की तुलना में डेप्थ काफी कम है। तो 9 करोड़ का जो कर्जा है वो कंपनी आराम से रिड्यूस कर सकती है, जीरो कर सकती है। टोटल एसेट की बात करें तो 76 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, और 11.9 करोड़ का रिजर्व है। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो 75% की सेल्स ग्रोथ कंपनी की हो चुकी है, और मैं पहले ही ये दो पॉइंट आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और डिविडेंड जीरो है, क्योंकि पैनी स्टॉक है, डिविडेंड तभी वो देगा जब वो प्रॉफिट में होगा, और प्रॉफिट जब कंपनी आएगी तो वो पहले अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में प्रॉफिट को लगाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आरओसी और आरओई, यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए ये कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। 6.30 करंट प्राइस चल रहा है, और 10 रुपए का स्टॉक हाई लगा चुका है, और 1.90 रुपए का स्टॉक ने लो लगाया है। यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की बेसिकली ये कंपनी है, और टेक्सटाइल सेक्टर आगे आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा आगे परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की सेल्स पहले 26 करोड़ की थी 2020 में दिसंबर के मंथ में, यहाँ पे सेल्स जस्ट डबल कर चुका है सितंबर में, और 56 करोड़ का सेल्स इस क्वार्टर में आया है, पिछले क्वार्टर में आया है दिसंबर। और यहाँ पे कंपनी को 33 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और अगर हम सितंबर 2021 में देखें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट आया, और उसके बाद 3 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है, जिस वजह से इसका अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ बात करते हैं पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों में 55% की सेल्स ग्रोथ हुई है कंपनी को, और यहाँ 92% का प्रॉफिट कंपनी ने 5 सालों में दिया है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों पे है। अगर यहाँ बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना होगा कि प्रमोटर्स ने
अपनी हिस्सेदारी 2% बढ़ा ली है पिछले 2 साल से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो। और यहाँ पब्लिक की हिस्सेदारी 31.74% है। इस कंपनी ने अभी हाल में ही स्प्लिट अनाउंस किया है प्लस बोनस अनाउंस किया है, तो उसके पहले इसका प्राइस ऑलमोस्ट 160-170 रुपए के आसपास चल रहा था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्प्लिट अनाउंस किया तो इस स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे और नीचे के लेवल पे खुला। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि किस लेवल पे ये स्टॉक का प्राइस खुला। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इस लेवल पे ये स्टॉक खुला था, इस लेवल पे ये स्टॉक की ओपनिंग हुई थी और नीचे के लेवल पे लोअर सर्किट में स्टॉक ओपन हुआ था। उसके बाद अपर सर्किट लगा, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लगा और ये स्टॉक 4.50 रुपए के आसपास तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे अपर सर्किट लगा और यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद ये स्टॉक ने ऊपर के लेवल देखने को मिले, फिर थोड़ा सा पुल बैक और यहाँ पे करंटली स्टॉक अपर सर्किट लग रहा है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल की, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा जो 6.50 रुपए का लेवल होगा। अगर ये स्टॉक करेंटली 6.50 रुपए के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक आपको और ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 8 रुपए और करेंटली स्टॉक को बाय कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है। और फंडामेंटल अगर कंपनी का अच्छा होता है तो उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी मैनिपुलेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अगर अभी नहीं तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी कंपनी अच्छी है। यहाँ पे 30 रुपए या 40 रुपए का आप यहाँ पर आगे आने वाले 2 से 3 सालों में टारगेट मान सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडेक्स देखें तो 19 चल रहा है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जब भी किसी स्टॉक का RSI इंडेक्स 30 के नीचे होता है तो यहाँ पर वो स्टॉक ओवरसेल जोन में होता है और हमें ऊपर की ओर रैली देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पर 19 चल रहा है और बहुत जल्दी RSI इंडेक्स ऊपर जाएगा और जब RSI इंडेक्स ऊपर जाएगा तो प्राइस भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 8 रुपए तो स्टॉक काफी आराम से जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से 2 महीने में ये स्टॉक जस्ट डबल भी हो सकता है, 16 से 18 रुपए पे भी हमें देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया 30 से 40 रुपए का आपको 2 से 3 सालों में लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, पहले आप अपनी एनालिसिस करिए उसके बाद स्टॉक को बाय कर सकते हैं।